वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। हाय दिस इज निखिल। हाय दिस इज शांतनु। और निखिल शांतनु के कई सॉन्ग्स में से एक दो सॉन्ग्स जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए हैं, आप लोगों का प्यार मिला है, उसमें से एक गाना हम लोगों ने अभी चुना है आपको सुनाने के लिए, वो गाएंगे। अधिपति श्री अष्ट विनायक तूच बाप तो माता रे, विनायका जय विठू मावली एक दंत गुणाधारे। अधिपति श्री अष्ट विनायक तूच बाप तो माता रे, विनायका जय विठू मावली एक दंत गुणाधारे। सुख करिता तू विघ्नेश्वर तू तुझीच सारी माया रे, बुद्धि दाता विश्व प्रभु तुझ कोटि नमन गणराया रे। गजर करो घरी पुण्य मुनिवरी बप्पाला रे, मोरया रे मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गजानना श्री गणराया आदि पूजन मोरया, मोरया रे गाना उसी गानों में बताएंगे। इंस्पिरेशन आइडल की बात करें तो सर्वप्रथम ऑब्वियसली गुरु ही आते हैं। जैसा कि हमारा सांगीतिक शिक्षण शुरू हुआ है हमारे फादर स्वर्गीय पंडित श्री रमेश बाकरे से, और उनसे काफ़ी संगीत की शिक्षा ली, सांगीतिक माहौल था परिवार में, आगे बढ़े। जयश्री सवा गुंजी मैम से मैंने क्लासिकल सिंगिंग की तालीम ली और शांतनु ने तबले की तालीम। मैंने मकरंद हरवे जी से तबला सीखा है भोपाल में, और पियानो की शिक्षा मैंने चेतन घोड़ेश्वर सर से ली है। और इंस्पिरेशन की बात करें तो चूंकि हम लोग कंपोजिशंस करते हैं तो इंस्पिरेशंस कंपोजर्स जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं उसमें से बड़े बड़े कंपोजर हैं जिसमें से हम लोग अजय अतुल के बहुत बड़े हम लोग फ़ैन हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम दोनों जैसे भाई म्यूज़िक कर रहे हैं, अजय अतुल भी भाई हैं और हम लोग उनकी स्टोरी से बहुत कनेक्ट कर पाते हैं कि जिस तरीके से वो सब चीज़ों को नोटिस करके इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो हमें बहुत इंस्पायर करती है उनकी जर्नी और हमें लगता है कि एक दिन हम लोग भी उस मुकाम को छू पाएंगे अपने गानों के थ्रू। बिल्कुल वैसा ही जर्नी हम लोग अभी तक हमने देखा है कि वैसा ही रहा है जैसा अजय अतुल जी का रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी सी जगह से उठ के आप अच्छा मतलब प्रोग्रेस करते हो अपने फील्ड में तो सारी चीज़ें बाकायदा लोगों का प्यार भी मिलता है। तो हमारी भी कुछ कंपोजिशंस हैं जो ऐसी उठी है, मोरिया उसी में से एक थी, तो हम लोग अजय अतुल को काफ़ी एडमायर करते हैं। हमारे काफ़ी सारे जो गाने हैं कुछ हम लोगों ने फिल्म्स में भी किए थे, तो वो भी हम लोगों ने सही राट और उसके म्यूज़िक से काफ़ी सारा इंस्पायर होके बहुत सारा म्यूज़िक किया था। अभी रिसेंटली हम लोगों का एक शिवाजी सॉन्ग आया है जो हम लोगों ने पूरा रिदम उसमें लाइव किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंस्पिरेशन थी और जो उसका सपना बंधा था गाने का वो उसके पीछे अजय अतुल का बहुत। सबसे अच्छा अनुभव हमारे सफ़र का ऑब्वियसली गणपति सॉन्ग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि उस सॉन्ग्स को जो प्यार मिला है ऑडियंस का, जो उसके स्टेटस बन रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही है, जो कमेंट्स आ रहे हैं, और कभी मैं स्टेटस चेक करता हूँ खुद मतलब अपने दोस्तों का, तो पता चलता है कि कोई ऐसा अननोन पर्सन जिनको हम जानते भी नहीं वो भी हमारा उस गाने का स्टेटस लगा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है। कॉल आते हैं हमको कि यार स्टेटस लग रहे हैं आपके सॉन्ग्स के, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, अनुभव इसी को मैं कहूँगा कि अच्छा लगता है कि यार अपना सॉन्ग कोई लगा रहा है कर रहा है, तो ये अच्छा अनुभव है। एग्जैक्टली हम लोगों को गाना बनाते टाइम कभी ये पता नहीं होता कि ऑडियंस उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, तो और हम हर गाने में अपने जी जान से जुट जाते हैं और उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिस तरीके का अनुभव ये प्रतिसाद देखकर मिला है हमें, जो लोगों का प्रतिसाद मिला है गणपति गाने को, 1000 के ऊपर रील्स बन चुकी हैं इंस्टाग्राम पे और 2 से 3 लाख के ऊपर व्यूअरशिप हो चुकी है गाने की विदाउट एनी पेड प्रमोशन, तो वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अप्रिशिएटिंग चीज़ है मतलब ऑडियंस की तरफ से। मतलब आज भी समझ में आता है कि अच्छा गाना सुनने वाले कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं।
सबसे फेवरेट सॉन्ग की बात करें तो ऑब्वियसली बॉलीवुड के म्यूजिक को सुन के हम लोग बड़े हुए, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो जिनको एडमायर करते हैं, जिनके गाने पसंद करते हैं, पर हम लोगों का ऐसा है कि हम लोगों ने काफ़ी म्यूजिक किया है, उसमें से एक दो सॉन्ग्स ऐसे निकल के आए जैसे गणपति बप्पा मोरिया और सुनो सुनो जो फिल्म के लिए हमने किया है, तो वो हमारा फेवरेट सॉन्ग बन गया है। उसके दो तीन रीज़न है, एक तो उसका म्यूजिक, एक तो उसकी बीट्स, एक तो उसका एक मैसेज मोटिव जो मोटिवेट करता है ऑडियंस को, और दूसरा है उसका लिरिक्स जो कुलगौरव शीतल ने लिखा है और बहुत अच्छी इंस्पायर करती है लिरिक्स। सिंगिंग अच्छी की है दीपक ठाकुर, बिग बॉस फेम, उनसे गवाया है हम लोगों ने और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उस सॉन्ग्स को, फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो चुका है। तो ये गाना आप YouTube पर सुन सकते हैं और इसे 4 से 4.5 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और कभी भी हम लोग किसी से बात करते तो ये अधिकतर जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग है उनमें से अधिकतर लोगों का ये फेवरेट गाना है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जब भी वो थोड़े नेगेटिव होते हैं या कोई उनका काम नहीं बन रहा होता तो ये गाना उनको बहुत उम्मीद से भर देता है, बहुत जोश से भर देता है। तो आप यूट्यूब पर भी सुने और हम आपको अभी एक थोड़ा सा निकल भी सुना। हाँ, यूट्यूब पे भी सुनिए और मे बी नेक्स्ट 2 मंथ, विद इन 2 मंथ फिल्म आ जाएगी तो सारे OTT प्लेटफॉर्म पे सॉन्ग्स अवेलेबल होगा। अब तो कर ले इरादा, कर खुद से तू वादा, पर्वत भी हिलेगा हिम्मत कर थोड़ी से थोड़ी ज्यादा, अब तो देखे जमाना सारा तेरे जज्बों का फसाना, तेरी जिद के आगे तूने तेरी जीत का ताना बाना, सुनो सुनो बातों की गहराई, सुनो सुनो शब्दों की शहनाई, सुनो सुनो थोड़ा तो समझो खुद को, कितनी तो गहरी तुमने थोड़ी, अब तुम भी सुनो 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 बातों की गहराई, सुनो सुनो शब्दों की शहनाई, सुनो सुनो थोड़ा तो समझो खुद को, कितनी तो गहरी तुमने थोड़ी, अब तुम भी सुनो सुनो ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला